बसमिल आज हम बात करेंगे शार्ट क्वेश्चन है जी चैप्टर नंबर है हमारे पास फिफ्टीन पहला शार्ट क्वेश्चन देखें वो कहता है डज द इंड्यूस्ड ई एम एफ इन सर्कट डिपेंड ऑन द रजिस्टेंस ऑफ सर्कट क्या जो इंड्यूस्ड ई e एम एफ होता है किसी भी सर्कट में वो उसकी रजिस्टेंस पर डिपेंड करता है दूसरी बात वो कहता है डज द इंड्यूस्ड करंट डिपेंड ऑन द रजिस्टेंस ऑफ सर्कट क्या जो इंड्यूस्ड करंट होता है एक बार इंड्यूस्ड ई एम एफ दूसरी बार वो पूछता है इंड्यूस्ड करंट क्या ये सर्कट की रजिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं देखिए अकॉर्डिंग टू फेर डे ला इंडूस्ड ई एम एफ इज़ प्रपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यानी डेल फाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स बाय रेट ऑफ जो टाइम का चेंज है ना है वो तो टाइम के साथ साथ जो फ्लक्स चेंज होता है वो ई एम एफ के बराबर होता है यहाँ पर एन जो है वो नंबर ऑफ टर्नस जाहिर कर रहा है जो कॉल में वो राउंड की हुई वायर होती है उसकी कितनी टर्नस है तो देयर फॉर इट डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बट नॉट ऑन रेजिस्टेंस ऑफ सर्कट देखें इस पूरे फार्मूले में कहीं पर भी रेजिस्टेंस का जिक्र नहीं है तो जो ई एम इंड्यूस्ड होती है वो रजिस्टेंस पर कोई उसका इंसार नहीं होता बट इंड्यूस्ड करंट अब इंड्यूस्ड करंट जो है उसका फार्मूला देखें वो इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी ई बाय रेजिस्टेंस आर यानी आई इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू ई ओवर आर तो यहां पर आर आर है तो इसका मतलब जो इंड्यूस्ड करंट है वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर है हमारे पास दो इसको चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर टू वो कहता है लूप ऑफ वायर इज़ मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैगनेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है यकस हैं हर जगह पर उसमें स्केयर लूप है वायर का वो मूव कर रहा है द नॉर्मल ऑफ द लूप इज़ औरिएटेड पैरल टू द फील्ड यानी अगर जो मैगनेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है बिल फर्ज तो जो उस जो लूप हमने रखा है उसका जो नॉर्मल है वो इसके पैरल है वो इसके बिल्कुल पैरल है तो आ, वो कहता है कि

मैग्नेटिक फील्ड है वो पैरेलल है फिर क्या देन द फ्लक्स थ्रू द कॉयल विल नॉट चेंज ड्यू टू दिस रीजन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉयल विल बी जीरो तो इस रीजन की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ एम में कॉयल में क्या हो जाएगा जीरो देखिए फार्मूला ये होता है कि इज इक्वल टू वी बी एल साइन थीटा और थीटा नॉर्मल दोनों एक साइड पर हैं तो थीटा कितना बन जाएगा जीरो साइन जीरो होता है जीरो जीरो इससे मल्टीप्लाई होगा ये सारा फैक्टर क्या कर देगा जीरो तो सेकंडली द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉयल इज रिमेंस कांस्टेंट एक तो ये बात है वहां एंगल की दूसरी बात है कि फ्लक्स जो पास कर रहा है वो रिमेंस कॉन्स्टेंट है क्योंकि पैरल है सो so नो no चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अक्कर तो वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज नहीं पैदा हो रहा तो डेल फाइव बाई डेल्टी इज इक्वल टू जीरो है तो दूसरा फार्मूला इंडियोसड ईमएफ़ का ये होता है यहाँ पर अगर ये डेल फाइव और डेल्टी जीरो है तो ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा जीरो तो हिन्स इंडियोस्ड ई ई एम एफ इज जीरो तो यहाँ पर इंड्यूसड ई एम एफ नहीं होगा क्वेश्चन नंबर थ्री है देखें लाइट मेटेलिक रिंग इज रिलीज फ्राम अबव इन टू द वर्टिकल बार मैगनेट ये जैसे बार मैग्नेट उसने आपको दिखाया यहाँ से वो कहते हैं एक ऐसा मेटेलिक रिंग है उसको इसके ऊपर फेंका गया है करंट ऊपर से देखने से यहाँ से खड़े होकर देखने से वो कहते हैं एंटी क्लाक वाइज इन द रिंग जो रिंग है उसमें करंट जो है वो क्लाकवाइज बहेगा या एंटी क्लाकवाइज बहेगा सबसे पहले देखें वेन द रिंग इज रिलीज फ्राम अबव इन टू द बार मैग्नेट फेसिंग नार्थ पोल ऊपर की तरफ क्या है नॉर्थ पोल है देन द मैग्नेटिक्ल पासिंग थ्रू द रिंग चेंजेज एन ई एम एफ विल बी इंड अब ये दूर है जो जो करीब आता जाएगा इसकी यहाँ से जो लाइंस नंबर ऑफ़ लाइंस निकलती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से गुजरेंगी तो नंबर ऑफ़ लाइंस चेंज हो रही हैं तो मैग्नेटिक फ़्लक्स इसका मतलब बदल रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगी अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या करती है अकॉर्डिंग टू लेंस लाइड्यूसड ई एम अपोज द काजिंग प्रोड्यूस इट जिस वजह से वो पैदा हो रही रहे थे ये उसी की मुखालफत करती है ड्यू टू विच नार्थ पोल इज़ फॉर्मड एट द लोअर साइड ये नार्थ पोल की वजह से पैदा हुई इसको अपोज़ करेगी तो नार्थ नीचे चला जाएगा नॉर्थ नीचे हो गया ऊपर क्या क्रिएट हो जाएगा साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा तो देखें ड्यू टू विच द रिंग साउथ पोल इज़ फॉर्म्ड ऑन द अपर एंड ऊपर क्या पैदा हो जाएगा अपोज करने की वजह से साउथ पोल पैदा हो गया अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल वी सीन फ्रॉम अबव द करंट इन द रिंग विल बी क्लाक वाइज डायरेक्शन ये सेम ऐसे देखें जैसे ये बिलफर्ज वो बार मैग्नेट है हम रिंग ऊपर से छोड़ रहे हैं रिंग इसके ऊपर जा रहा है ये होता है, ऐसे है क्योंकि ऊपर की तरफ चीज नहीं है तो हम इसको यूं पकड़ेंगे नीचे की तरफ तो जो कर्ल करती हुई उंगलियां होगी करंट की डायरेक्शन वो बताएंगे अब उंगलियां मेरी कल कर रही हैं इस तरह इस तरह तो ये क्लाक वाइज डायरेक्शन ऐसे तो करंट जो होगा वो क्लाक वाइज होगा उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर है वट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू रजिस्टर फिगर फिफ्टीन पॉइंट एज द स्विच इज़ वन एक बार वो कहता है क्लोज है दूसरी बार कहता है ओपन है पिक्चर उसने ये बनाई हुई है देखें एक कॉयल है उसके साथ स्विच लगा हुआ है बैटरी लगी हुई है दूसरे के साथ रजिस्टर लगा हुआ है लेकिन बैटरी कोई अटैच नहीं है लेकिन दोनों कॉयल एक दूसरे के पास पास रखी हुई हैं तो देखें वेन द स्विच इज क्लोज जब वो स्विच को क्या करता है क्लोज करता है द करंट इंक्रीजेज फ्राम ज़ीरो टू मैक्सिमम ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सेकेंड कॉयल चेंजेज एंड हिंस करंट इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंड कॉयल द इंड्यूस्ड करंट अब क्या, क्या क्या कहता है जब हमने यहाँ स्विच उसको बंद कर दिया तो इसमें से वोल्टेज जो है इसमें से जो बैटरी लगी हुई है करंट बहना शुरू करेगा यहाँ से लाइन्स निकलेंगी वो लाइन्स दूसरी कॉल में पास करेंगी अब जीरो से मैक्सिमम को अप्रोच कर रहा है करंट तो इसमें ई एम एफ एक इंड्यूसड हो जाएगा तो देखें वो कहता है इंडियोसड ई एम एफ विल अपोज द करंट इन द फर्स्ट कॉयल जो फर्स्ट कॉयल में करंट है वो उसको अपोज करेंगे क्योंकि सेकंड में जो इंड्यूस्ड ई एम एफ हुआ वो जिस वजह से हुआ वो उसको अपोज करेगा तो इस वाले की मुखालफत ये वाली कॉयल करेगी देर फोर इन द डायरेक्शन अपोज द करंट इन द फर्स्ट कॉयल देयर फोर इट्स डायरेक्शन विल बी लेफ्ट टू राइट right या एंटी क्लाक उसकी डायरेक्शन जो होगी वो लेफ्ट टू राइट होगी या फिर क्या होगी एंटी क्लाक वाइज वेन द स्विच इज ओपन करंट ड्रॉप जीरो फ्रॉम मैक्सिमम देन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी राइट टू लेफ्ट और क्लाक या तो राइट टू लेफ्ट होगी या फिर क्या होगी क्लाक होगी क्योंकि देखें कोई जो मैक्सिमम होगा हम इसको ओपन कर देंगे स्विच को तो वो गिरना शुरू हो जाएगा बिल्कुल गिरना शुरू हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता जीरो पर पहुंच जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव देखें डज द इज ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्कट कहते हैं कि इंडियोसडम एफ जो है वो ऑलवेज यही किरदार प्ले करती है कि जो इंडियड ई एम एफ है वो डिक्रीज करेगी मैग्नेटिक फ्लक्स को देखें वो, no, वो कहते नो द इंडियो ई एम एफ अपोज द काज प्रोड्यूस इट अकॉर्डिंग टू लेंजला वो ये कहता है कि इसका ये काम नहीं है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को काम करना इसका काम ये है कि जिस वजह से पैदा हो रहा होता है ना ये उस चीज की मुखालफत करता है इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्कट इज इंक्रीजिंग देन दे एम एफ एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स अगर वो बढ़ रहा है तो ये कोशिश करेगा ये कि उसको कम कर दे इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिक्रीजिंग अगर वो कम हो रहे हैं देन द इंड्यूस्ड ई एम एफ एक्ट टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अगर वो कम हो रहा है तो ये कोशिश करेगा उसको बढ़ा दे इन्स इंड्यूस्ड ई एम एफ डज नॉट एक्ट ऑलवेज टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स ये हमेशा उसको कम करने की कोशिश नहीं करता ये क्वेश्चन सिक्स भी करने की जरूरत नहीं है सेवन भी करने की जरूरत नहीं है आगे आ जाए हम क्वेश्चन नंबर एट की बात करते हैं वो कहते हैं हाउ वुड यू पोजिशन ऑफ फ्लैट लोप ऑफ वायर इन द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सो द दैट there इज़ नो ई एम एफ इंड्यूस्ड इन द लूप वो कहता है कि आप ए, किसी वायर का कोई लूप है उसको मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जो कि चेंज हो रहा है उसमें किस तरह रखेंगे कि उसमें कोई भी ई एम एफ इंड्यूस ना हो देखिए अभी तक हमने यही पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड जब वेरी करता है यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जब वेरी करता है तो क्या होता है वहाँ पर ई एम एफ इंड्यूस हो जाती है तो ये देखें वेन द प्लेन ऑफ लूप ऑफ वायर इज़ पैरल टू द फील्ड देन इज इक्वल टू जीरो जब वो प्लेन के पैरेलल होगा बिल्कुल पैरेलल होंगे आपस में दोनों एक ही साइड पर होंगे तो थीटा यहां पर क्या बनेगा जीरो बनेगा तो नो चेंज फ्लक्स विल टेक प्लेस थ्रू द लूप इट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द लूप इज जीरो नो ई एम एफ विल बी इंड्यूस्ड इन द लूप इस वजह से वहां पर कोई भी क्योंकि वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो फार्मूला देखें इज एक वी बी एल साइन थीटा होता है थीटा जीरो हो गया तो थीटा ज़ीरो तो ये सारे का सारा जीरो हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई होके okay. उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारे पास नाइन देखें वो कहता है इन अ सर्टेन रीजन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट वर्टिकली डाउनवर्ड कोई खास मकाम है जिस पर जो मैग्नेटिक uh, फील्ड है ज़मीन का वो वर्टिकली डाउनवर्ड है नीचे की तरफ है नीचे की तरफ तो वैन वो कहता है वैन uh, प्लेन फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ नॉर्थ की वजह से जब एक हवाई जहाज़ उड़ता है विच विंग टिप इज़ पॉजिटिवली चार्ज उसका कौन सा विंग टिप है वो जो कहता है ऐसा हो तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा सबसे पहले वो कहता है फ्लाइंग प्लेन बिहेव एज अ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन द मूविंग चार्ज ज इक्वल टू ये होती है वो एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी वी उसने बता दिया वेलोसिटी ड्यू टू नॉर्थ है B उसका वर्टिकली डाउनवर्ड है हमने उसको बताना है कौन सा विंग टिप उसका पॉजिटिव चार्ज होगा यहां पर अगर बात करें देखें ये नॉर्थ हो गया नॉर्थ है ये ईस्ट ये साउथ है नीचे की तरफ उसका सॉरी हम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और यहां पर साउथ बनाएंगे उसका तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा वेस्ट इधर नीचे की तरफ क्या हो जाएगा साउथ ठीक है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट उसका जो वर्टिकली डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे की तरफ हो गया वो जाकर इधर को रहा है नॉर्थ की तरफ जा रहा है उसकी वेलोसिटी उसने क्वेश्चन में आपको बता दी नॉर्थ की तरफ जा रहा है हमने उसको बताना है कौन सा विंग टेप उसका पॉजिटिवली चार्ज होगा देखें वो कहता है सिंस वी इज टूवर्ड्स नॉर्थ एंड बी इज वर्टिकली डाउनवर्ड अर्थ देअ फॉर बाय राइट हैंड रूल एफ इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स वेस्ट जो फोर्स होगी वो डायरेक्टेड टूवर्ड्स क्या होगी वेस्ट वो किस तरह है? देखें अगर राइट हैंड रोल जो कि तीनों उंगलियों को हम पैरल करके इस तरह देखते थे अगर ये वाली उंगली जो है ये फील्ड को बताती है अंगूठा फोर्स को बताता है और पहली उंगली ये जो होती है ये विलास्टी को बताती है विलास्टी उसने कही नार्थ की तरफ हमने विलास्टी नार्थ की तरफ कर ली दूसरी उंगली हम चेक करते हैं हमारी बिल्कुल नीचे की तरफ है यह वाली उंगली जो है नीचे की तरफ है ड्यू टू क्या है हो गई हमारे पास ड्यू टू ये हो गई फील्ड uh, उसके बाद अंगूठा फोर्स को जाहिर करता है तो अंगूठा हमारा फोर्स को जो जाहिर कर रहा है वो इधर वेस्ट को है तो इन तीन पैरेलल जो थंब और फर्स्ट और फोर्थ फिंगर है इसको करने से हमें पता चल जाता है कि वर्टिकली डाउनवर्ड उसका हो गया फील्ड और ये पहली पहली फिंगर जो हमें बताती है कि उसकी वेलोसिटी इधर को है और फोर्थ जो है वो अंगूठा बताएगा तो इसके क्वेश्चन की मदद मतलब से जब हम उंगलियों को इस तरह तरतीब से रखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वेस्ट वाला जो है इस साइड वाला क्योंकि अंगूठा इस साइड पर है तो वेस्ट वाला विंग टिप जो होगा उसका पॉजिटिवली चार्ज होगा उसके बाद शो दैट इंडियो ई एम एफ एंड डेल फाइव ओवर टी हैव सेम यूनिट्स वो कहते हैं क्या इनके सेम यूनिट्स होते हैं ये बात जरा चेक करते हैं यूनिट ऑफ इज गिवन एज न्यूटन मीटर पर कॉलम इसका यूनिट हम जानते हैं इसके बराबर होता है इसका यूनिट चेक करते हैं अगर इसी के बराबर आ गया तो इसका मतलब ये सेम होते हैं नहीं आता तो ये सेम नहीं होते देखिए डेल फाइव ओवर टी इज गिवन एज वेब पर सेकेंड वेब पर सेकेंड अब वन वेब इज इक्वल टू होता है न्यूटन मीटर पर अंपेयर न्यूटन मीटर पर एम्पेयर वेब जो होता है तो न्यूटन मीटर वैसे का वैसे एम्पेयर को अगर मैं देखूँ करंट होता है करंट आई इज इक्व टू क्यू ओवर टी होता है क्यों क्या हो गया क्यू हमारे पास करंट हो गया टी क्या होता है हमारे पास करंट यानी कोलम में आ जाएगा और टी क्या होता है टाइम टाइम सेकेंड में आ जाएगा सी एस माइनस वन एम्पेयर की जगह हम लिखेंगे सी एस माइनस वन और एस माइनस वन वैसे का वैसे आ जाएगा अब न्यूटन मीटर वैसे का वैसे और उसके बाद सी माइनस वन यहाँ पर और एस या माइनस वन ये माइनस वन तो माइनस वन माइनस वन ये क्या हो जाएगा जब इसका ये स्केयर ओपन करेंगे ये माइनस वन वाले के साथ तो ये इसके साथ जरब होकर पावर्स जब होती हैं तो ये हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगा ये वाला नेगेटिव ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे न्यूटन मीटर पर कॉलम जो कि उसके बराबर है तो ये दोनों के क्या हो गए हमारे पास सेम यूनिट निकल आते हैं

देन इट्स आर्मेचर रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड उसकोआल का जो अंदरूनी ऐसे करके आर्मेचर होता है वो किस में रोटेट कर रहा होता है इधर उधर उसके यहाँ पर मैगनेट लगा होता है ये आर्मेचर उसी में ही रोटेट कर रहा होता है तो फिर क्या है वो कहता है ड्यू टू द इट्स रोटेशन चेंजिंग अ मैग्नेटिक फ्लग टेक प्लेस एंड सो इंड्यूस्ड ई एम एफ इज प्रोड्यूस हाँ ठीक है जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ई एम एफ इंड्यूस हो जाएगी फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है कि वो बार बार घूम रही कहीं से लाइन ज्यादा गुजरेंगी कहीं से कम गुजरेंगी दिस इज कॉल्ड बैक ई एम एफ ऑफ मोटर ये डेफिनेशन भी आ जाती होती है तो दिस इज कॉल्ड बैक ई एम एफ ऑफ मोटर दस द इंड्यूसड ई एम एफ अपोज द रोटेशन क्योंकि वो रोटेशन की वजह से इंड्यूस ई एम एफ पैदा हुआ अब वो उसकी रोटेशन को क्या करेगा अपोज करेगा मुखालिफ करेगा इट शोज दैट रनिंग इलेक्ट्रिक मोटर आल्सो एक्ट्स एज ए जनरेटर तो क्योंकि मोटर के उल्ट काम करता है जनरेटर और जनरेटर के उल्ट काम करती है मोटर मोटर का, का काम होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करना और जनरेटर का, का काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना इफ़ द मोटर इज़ ओवरलोडेड द बैक ई एम एफ इंड्यूसड अ लार्ज करंट देखें अगर मोटर ओवरलोड हो जाती है तो बैक ई एम एफ भी उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एज अ रिजल्ट द मोटर विल बी बर्न इलेक्ट्रिक मोटर में भी बर्न वो क्या हो सकती है वो बर्न हो सकती है जल जाएगी उसके बाद है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वो कहता है कैन अ डीसी मोटर बी टर्न्ड इनटू अ डीसी जनरेटर व्हाट चेंजेस आर रिक्वायर्ड क्या वो डीसी मोटर को हम डीसी जनरेटर बना सकते हैं अगर हो सकता है तो वो, वो कहता है क्या हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी देखिए यस डीसी मोटर कैन बी टर्न इनटू डीसी जनरेटर बन सकती है जी कैसे वेन एन इलेक्ट्रिक मोटर इज़ रनिंग बाई पासिंग अ करंट थ्रू द आर्मीचर ऑफ मोटर जब एक मोटर चल रही होती है जब उसमें करंट गुजर रहे होता है दैन इट्स आर्मीचर कायल इज रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील ड्यू टू इट्स रोटेशन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कोयल चेंजेस ये ऊपर वाली ही बात है जो हमने हम, हमने पढ़ी है तो एंड ई एम एफ इज इंड्यूस्ड एज द आउटपुट उसमें ई एम एफ इंड्यूसड हो जाती है दस द मोटर बिकम्स जनरेटर जो मोटर है वो क्या बन जाती है जनरेटर बन जाती है सेम ऊपर वाली बात है विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी चेंजेज या क्या रिक्वायर्ड है वो कहता है इन आर्डर टू कन्वर्ट डी सी मोटर इंटू डी सी जनरेटर टू चेंजेज आर टू बी डन पहली है द मैगनेटिक फील्ड मस्ट सप्लाइड बाई परमानेंट मैगनेट मैगनेटिक फील्ड हमें परमानेंट मैगनेट के जरिए देना पड़ेगा उसमें यह बात नहीं है कि हम कोई और मैगनेट इस्तेमाल कर लें या वो कहते हैं एंड नॉट बाय अलेक्ट्रो तो एलेक्ट्रो के जरिए हम उसको नहीं दे सकते ऐसा मैग्नेट जिसके साथ हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं या कनेक्शन लगा वो वो नहीं लगा सकते एन अरेंजमेंट टू रोटेट द कोयल आर्मेचर शुड बी प्रोवाइडेड ऐसी अरेंजमेंट होनी चाहिए हमारे पास जो रोटेट करे किसको को आर्मेचर को वो हमें वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए कोयल का आर्मेचर जब वो रोटेट कर सके क्वेश्चन नंबर थर्टीन है इज इट पॉसिबल टू चेंज बोथ एरिया ऑफ लूप एंड द मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू अ लोप वो कहता है एरिया भी चेंज कर रहे हैं फील्ड भी चेंज कर रहे हैं किसी लोप में से स्टिल हैव स्टिल नॉट हैव एन ई एम एफ इंडियोस इन द लोप अभी तक उसमें कोई ई एम एफ इंडियूस नहीं हुई फील्ड भी चेंज किया है उसका एरिया भी हम चेंज करके देख चुके हैं कहता है यस yes, ये हो सकता है इफ़ नो चेंज इन द मग्नेटिक फ्लक्स टेक प्लेस ड्यू टू चेंज इन एरिया ऑफ़ द लूप द मैगनेटिक फील्ड नो ई एम एफ विल बी इंड्यूस इन द लूप वो कहते हैं आप उसका एरिया जो है वो चेंज करते रहो ऐसे चेंज करो कि फ्लक्स जो है वो चेंज ना हो तो ई एम एफ इंड्यूस नहीं होगा हमने भी यही पढ़ा है कि जब फ्लक्स चेंज होता है तब वहाँ पर ई एम एफ इंड्यूस हो जाती है तो द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ लूप फार एरिया डेल ए placed parallel to the magnetic field B is given as delta phi is equal to P dot del A dot product खत्म करेंगे cos theta आ जाएगा theta is equal to zero degree क्योंकि parallel हो जाएंगे हमने condition रखी कि उनको parallel रखते हैं area इस तरह change करते हैं कि वो field के parallel हो जाएगा तो देखें del phi is equal to B dot del A cos theta cos theta zero one होता है B dot delta A आ जाएगा one के साथ multiply होगा तो delta phi magnetic flux जो change हुआ वो कितना है B delta A तो this relation shows that same amount of increase in B एंड डिक्रीज इन ए एंड वाइस वर्सा वो कहता है ये हमें यही चीज़ जाहिर करती है कि बी एंड ए डिक्रीज एंड ए वाइस वर्सा वो एक दूसरे के दोनों उल्ट हैं क्या क्या उल्ट हैं जी अमाउंट ऑफ बी एंड डिक्रीज इन एरिया ए तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये आपस में वाइस विरसा हैं नो चेंज ऑफ फ्लक्स फ्लक्स का जो डेल्फाई है वो क्या है हमारे पास डेल्फाई फाई ज़ीरो है तो देन अकॉर्डिंग टू फेर लॉ देखें ईज इक्वल टू माइनस एन डेल फाइव टी डेल फाइव क्योंकि हमारे पास जीरो है उसकी जगह जीरो लिखेंगे सारा फैक्टर क्या हो जाएगा जीरो इट प्रोड्यूस नो इंड्यूस्ड ई एम एफ इन द लूप यहाँ से बात जाहिर होती है कि इंड्यूस्ड ई एम एफ वहां पर पैदा नहीं होगी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है जी वो कहते हैं कैन इलेक्ट्रिक मोटर बी यूज टू ड्राइव एन इलेक्ट्रिक जनरेटर विद द आउटपुट फ्रॉम द जनरेटर बींग यूज टू ऑपरेट द मोटर वो कहता है किसी मोटर से जनरेटर को चलाएं फिर जनरेटर से जो आउटपुट मिल रही है वो उसी को लगा दें जो मोटर चल रही थी जो जनरेटर मोटर को सप्लाई दे और मोटर जनरेटर को सप्लाई दे हमें बाहर से कोई चीज़ न लगानी पड़े उन पर वो कहता है नो एन इलेक्ट्रिक मोटर कैन नाट बी यूज टू ड्राइव एन इलेक्ट्रिक जनरेटर विद द आउटपुट फ्रॉम द जनरेटर बींग यूज टू ऑपरेट द मोटर वो कहते हैं जो जनरेटर से हमें वो आउटपुट मिल रही है हम उसी को लगा के मोटर को नहीं चला सकते बिकॉज इट इज अगेंस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अनर्जी इट बिकम द सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम विच टू वर्क विद आउट गेटिंग एनर्जी फ्राम एक्सटर्नल सोर्स ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो मोटर है वो अनर्जी जनरेटर को बना के दे रहे जनरेटर फिर वो मोटर को दे दे फिर वो जनरेटर को दे दे फिर वो मोटर को दे दे तो ऐसे तो वो कहते हैं आउटपुट कोई उनको एक्सटर्नल मिल ही नहीं रही होगी तो ये ऐसा काम मतलब नहीं हो सकता ये लाफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट है क्वेश्चन नंबर 15 अ सस्पेंडेड मैग्नेट इज ऑसिलेटिंग फ्रीली इन हॉरिजेंटल प्लेन एक मैग्नेट है उसको हमने लटकाया हुआ है वो फ्रीली ऑसिलेट कर रहा है हॉरिजेंटल में हॉरिजेंटल प्लेन में तो उसमें वो कहता है द ऑसिलेशन्स आर स्ट्रांगली डैम्प्ड वेन अ मेटेलिक प्लेट इज प्लेसड अंडर द मैगनेट एक्सप्लेन वाई दिस अक्कल वो ऐसे ऐसे ऑरिजेंटली ओसीलेट कर रहा है उसके नीचे हम कोई प्लेट रखते हैं उसकी ओसीलेशन डैम्बड होती हैं वो कहता है ऐसा क्यों हो रहा है देखें वेन अ मैगनेटिक वाइब्रेट इट काजेज चेंज इन द फ्लक्स थ्रू अ मेटल प्लेट तो उसमें जो मैग्नेट uh, से नंबर ऑफ लाइंस नीचे को निकल रही होंगी तो जो ही हमने प्लेट रखी तो उसमें जब यूं और यूं वो जाएगा तो उसमें वेरी करेंगे वो नंबर ऑफ लाइंस हिट्स ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स एंड यू इंड्यूस्ड इन द प्लेट जो प्लेट है उसमें ई एम एफ इंड्यूस हो जाती है और इंड्यूस्ड ई एम एफ इन द मेटल प्लेट अपोज द मोशन ऑफ मैग्नेट वो उसकी मोशन की वजह से पैदा हुई अगर वो मोशन नहीं कर रहा होता तो लाइंस चेंज ना होती और लाइंस चेंज ना होती तो उसमें ई एम एफ इंडियूस ना होता अब ई एम एफ इंड्यूसड हुआ उस मोशन की वजह से तो ये उस मैग्नेट की तो मोशन को अपोज करता है देयर फोर द ऑसीशन आर स्ट्रॉन्गली डैम्प एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीजिंग वेरी रैपिडली इस वजह से जो है उनके ऑसिलेस इफेक्टेड होती हैं उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन फोर अनमार्क्ड वायर्स मरज फॉर अ ट्रांसफार्मर चार तारे हैं अनमार्क ने हमें नहीं पता वट स्टेप वुड यू टेक टू डिटर्मन देशो आप टो उनकी कैसे निकालेंगे देखिए फर्स्ट ऑफ चेक कंटिन्यूटी बाई यूजिंग ओह मीटर एंड सेपरेट दाइमरी एंड सेकेंडरी कॉल ऑफ द ट्रांसफार्मर चारों तारे हैं हम पहले उनको ओम मीटर लगा के चेक करेंगे प्राइमरी पेयर्स वहां से अलग कर लेंगे और सेकेंडरी अलग कर लेंगे दैन मयर द प्राइमरी वोल्टेज वी पी एंड सेकेंडरी वोल्टेज वी एस विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर फिर हम वोल्ट मीटर लगा के उनका ये चेक कर लेंगे देन अप्लाई ट्रांसफार्मर इक्वेशन ये इक्वेशन लगाएंगे वी एस ओवर वी पी एन एस ओवर एन पी टू डिटर्मन द टर्न्स रेशो यहाँ से सेकेंडरी की निकालना चाहे या प्राइमरी की निकालना चाहे हम कोई भी टर्न्स रेशो निकाल सकते हैं उसके बाद सेवनटीन क्वेश्चन वो कहता है कैन स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज द पावर लेवल पहली बात दूसरी बात इन अ ट्रांसफार्मर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ चेंज ऑफ चार्ज फ्रॉम द प्राइमरी टू तो सेकेंडरी हाउ इज देन द पावर ट्रांसफार्मर वो कहता है प्राइमरी और सेकेंडरी में कोई कनेक्शन नहीं है चार्ज ट्रांसफार्मर नहीं हो रहा लेकिन वो कहता है पावर ट्रांसफर कैसे होगी फर्स्ट पहले ट्रांसफार्मर से दूसरे में पहले का क्वेश्चन जो था उसका जवाब देखें वो कहता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैन नॉट इंक्रीज पावर लेवल बिकॉज इट इज़ द अगेंस्ट लाफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पावर इनपुट ऑलवेज इक्वल टू पावर आउटपुट जितनी इनपुट हम देंगे उतनी ही हमें आउटपुट मिलेगी इंक्रीज नहीं कर सकता ये लाफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट बात जाती है इन अ ट्रांसफॉमर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी द पावर इज ट्रांसफर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी थ्रू द मैग्नेटिक फ्लक्स किसके जरिए चेंज होती है मैग्नेटिक फ्लक्स के जरिए चेंज होती है लास्ट क्वेश्चन है उसका जी क्वेश्चन नंबर एटीन वो कहता है वैन द प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ कनेक्टेड टू मीन द करंट पहली बात इज़ वेरी स्मॉल इफ द सेकेंडरी सर्किट इज़ ओपन बट इंक्रीज इनक्रीज द सेकेंडरी सर्किट इज़ क्लोज्ड एक्सप्लेन दीज फैक्ट्स वो कहता है जब सेकेंडरी uh, सर्किट जो है वो बंद होता है तब करंट जो है उसमें बड़ा थोड़ा सा होता है जो ही हम सॉरी uh, ज़्यादा होता है जब हम उसको सेकेंडरी को ओपन कर देते हैं नहीं चला रहे होते फिर क्या है वो ज़्यादा हो जाता है ऐसा क्यों है देखें पहली बात वैन द सेकेंडरी सर्किट इज़ ओपन आउटपुट पावर इज़ ज़ीरो एक से जा रहे हैं लेकिन हम जिधर अप्लाई करना है वहाँ पर कोई भी चीज चल नहीं रही बल्ब पंखा सारा कुछ ऑफ है वेरी स्मॉल दिस रिक्वायर्स इनपुट पावर इज़ वेरी लो दे फॉर द करंट ड्रॉन बाय प्राइमरी कॉइल फ्रॉम मेन्स इज़ वेरी लो तो ये खींचेगा भी बहुत कम दूसरी बात वो कहते हैं वैन अ लोड अक्रॉस सेकेंडरी इज इंक्रीज बाय मेकिंग सेकेंडरी सर्कट ऑन अब बल्ब चला लिया हमने पंखा चला लिया मोटर चला ली तो इनपुट पावर मस्ट बी इक्वल टू द आउटपुट पावर आउटपुट में हमने इतनी सारी चीज़ें चला ली हैं तो प्राइमरी कोयल जो कनेक्टेड थी तो वहाँ से हमें इतनी पीछे से सप्लाई आनी भी जरूरी है फॉर दिस रीज़न द करंट ड्रॉन बाय प्राइमरी कोयल फ्रॉम द मेन्स इज़ इंक्रीज तो इसलिए वहाँ से ये इंक्रीज़ हो जाती है करंट की जो है लिमिटेशंस उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी अगर कहीं से समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं हाफिज़